किसान अर्धनग्न होकर करेंगे। प्रदर्शन बरेली में भारतीय किसान एकता संघ के नेता डॉक्टर रविनागर गौतम बुद्ध नगर के किसानों के समर्थन में अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में किसानों ने डीएम बरेली से मिलकर गांधीवादी तरीके से अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने की जिला अधिकारी से लिखित अनुमति मांगी है। इस संबंध में किसान एकता संघ के तमाम किसान जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचे और डीएम से गौतम बुद्ध नगर के किसानों के समर्थन के साथ किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर विरोध जताते हुए डीएम से कल कलेक्ट्रेट गेट पर अर्धनग्न प्रदर्शन की अनुमति मांगी। जी डॉक्टर बताइए। मैं किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं। हम आज किसान एकता संघ का प्रतिनिधि मंडल बरेली जिलाधिकारी महोदय के पास इसलिए आया है कि गौतम बुद्ध नगर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसमें किसान आंदोलनकारियों को और किसान नेताओं को जेल में वहाँ के पुलिस प्रशासन ने बड़ी बर्बरता के साथ जेल में बंद किया है। जो संवैधानिक देश के अंदर इसे किसी भी कीमत पर जायज नहीं कहा जा सकता उसको लेकर पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है और किसान आंदोलनकारियों को तत्काल रिहा करने की मांग हो रही है, जिसमें प्रमुख रूप से किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चौधरी सोरन प्रधान जी, सुखबीर खलीफा और रूपेश वर्मा जी और काफ़ी बहुत सारे लगभग 200-250 किसान आंदोलनकारी हैं जिनको जेल में रखा हुआ है। तो इसे बरेली का भी किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर किसानों की आवाज़ को उठाने वाले लोगों के साथ इस तरीके से बर्बरता की जाएगी तो यहाँ का बरेली का किसान आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला बरेली में जिलाधिकारी महोदय से हमने ये निवेदन किया है कि जो आंदोलन चल रहा है उस क्रम में गांधीवादी तरीके से आज हमने एक निवेदन किया है कि हमें अनुमति दी जाए कि अर्धनग्न प्रदर्शन यहाँ का किसान करना चाहता है। सरकार को ये संदेश देना चाहता कि हम रोष में हैं, कष्ट में हैं और गुस्से में हैं। उनकी मांगों को माना जाना चाहिए और तत्काल किसान नेताओं को रिहा किया जाए, अन्यथा यहाँ एक बड़ा आंदोलन खड़ा बहुत जल्दी होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। इसलिए आज हम अर्धनग्न प्रदर्शन की अनुमति लेने आए हैं। कल अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा कल? हाँ जी, कल होगा। घंटाघर से लेकर और पटेल चौक तक बरेली का किसान बहुत गुस्से में है, बहुत परेशानी में है, बहुत रोष में है। इसको लेकर अपने शरीर को कष्ट देकर ये संदेश देना चाहता है कि उन किसान आंदोलनकारियों को, नेताओं को तत्काल बिना शर्त के रिहा किया जाए।